नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, जहां पर दोस्तों मेरी ऑल इंडिया रैंक है वो फर्स्ट स्टैटिक और मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के लिए पढ़ाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राम विकास सरकारी परीक्षा 2018 के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को कराऊंगा, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुल मिलाकर के 2018 के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे, लगभग दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन है, वो कराऊंगा और इसकी सीरीज कंटिन्यू है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 1 से 5 तक मैं डाल चुका हूँ और दोस्तों अनअकैडमी पर ऑलरेडी सारी की सारी वीडियोज़ कवर कर दी हैं मैंने। ठीक है, वहाँ पर मैंने 500 से अधिक प्रश्न कवर किए हैं। अगर आप लोग इतने कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स के सेशन से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक हम लोग 198 तक कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 199 से। पहला क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल तीसरी पंडुप्पी रोधी युद्ध पोत कौन सा है? दोस्तों इसका नाम है INS तारिणी। अगला है कि नाविक सागर परिक्रमा अभियान पर जाने वाली पहली नौका INS तारिणी की कप्तान कौन है? दोस्तों ये है वर्तिका जोशी। INS तारिणी क्या है, इसमें आप लोगों को पता है, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसमें क्या किया था कि सारी की सारी जितनी भी इस पे थे मेंबर्स, वो सारी की सारी महिलाएं थी और इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग से, याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान पर विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की गई है? दोस्तों ये मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको में क्या है कि विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की गई है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस पर किसे प्रसिद्ध भारत पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों इनका नाम है कुमारी नाजिया। क्या नाम है? कुमारी नाजिया, याद रखें। अगला कि धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा? ये दोस्तों है अल सलाबदोर। ठीक, ये देश है, याद रखें, धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यह किया गया अस्ताना। अस्ताना कहाँ पर? यह कजाकिस्तान में, याद रखें। नेक्स्ट है कि भारत का तीव्रतम तथा पहला बहु पेंटाफ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों ये प्रत्यूष है। ये कौन सा सुपर कंप्यूटर है, बहुत ही तेज तीव्रता वाला? ये अपना है प्रत्यूष, याद रखें। अगला है कि किस राज्य ने हाल ही में गैर राजपत्रित नौकरी के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों को पता है कि साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन 2017 में रजत पदक जीता? दोस्तों इनका नाम है PV सिंधु, याद रखिए। अगला है कि सरस्वती सुपर क्लस्टर में शामिल आकाश गंगाओं के कुल कितने क्लस्टर हैं? दोस्तों कुल मिलाकर के 43 क्लस्टर है, 43। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट कौन सा है? यह है दोस्तों GSLV Mark 3, याद रखें। अगला है कि किस प्रदेश ने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करते समय यस मैम / यस मैडम की जगह जय हिंद बोलने का आदेश दिया है? दोस्तों यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब क्या होगा, जब टीचर अटेंडेंस लिया करेगा तो दोस्तों वहाँ पर बच्चे अब जय हिंद बोला करेंगे यस सर और यस मैम की जगह। अगला है कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस देश ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया से संबंध पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं? तो दोस्तों ये जो देश है इसका नाम है बोत्सवाना। क्या नाम है? बोत्सवाना, ये नाम है, याद रखिए। अगला है कि आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नई मेट्रो रेल नीति जारी की? तो दोस्तों नई मेट्रो रेल जो जारी करी गई है नीति, वो करी गई है नई दिल्ली में, याद रखिए। अगला है कि भारत का पहला विदेश धरोहर शहर कौन सा है? दोस्तों यह अहमदाबाद। क्या है? ये अहमदाबाद है, याद रखिए। हाल ही में तीसरा विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद है आंध्र प्रदेश में। एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, 11वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ दोस्तों अर्जेंटीना में। अगला है कि महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 किसने जीता? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये प्रश्न। अगला है कि ICC महिला गेंदबाजों में शीर्ष रैंकिंग पर कौन है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान की हैं गेंदबाज, इनका नाम है सना मीर। तो याद रखिए, सना मीर जो है वो ICC महिला गेंदबाजों की जो रैंकिंग में है वो नंबर 1 पर हैं। अगला है कि अपराध और आपराधिक
ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? दोस्तों यह जीता पंजाब ने। किसने? पंजाब ने, याद रखिए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2012 में कैंसर के कितने प्रतिशत मामलों में वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 15.7% मामलों में जो है कैंसर के वृद्धि हुई है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2020 के पश्चात पूरे देश में किन वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी? ये दोस्तों वाहन है BS4। तो BS4 जो वाहन है वो दोस्तों 2020 1 अप्रैल के बाद में इनकी बिक्री नहीं होगी। नेक्स्ट है कि इस्तांबुल में विश्व का सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई अड्डा टर्मिनल आधिकारिक रूप से खोला गया। दोस्तों ये कब खोला गया? ये खोला गया 29 अक्टूबर 2018 को। याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसे ध्यान में रखिए। ये दोस्तों है कि सबसे बड़ा अंडर वन रूप हवाई अड्डा टर्मिनल, ठीक। तो ये कहाँ पर है? इस्तांबुल में। ये याद रखिए, डेट तो पूछी जाएगी अगर महत्वपूर्ण होती है तो, पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि जगह कौन सी है, स्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादन देश कौन सा है? तो ये है भारत। याद रखिए, भारत जो है अब विश्व में चौथा जो है सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश बन गया है भारत। अगला कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं, याद रखें। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जो है आर्यों का ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि देश के पहले हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक आधारित स्टेट डाटा सेंटर का शुभारम्भ कहाँ हुआ? ये हुआ है देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि 12वां एशिया यूरोप सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दोस्तों हुआ है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ये बेल्जियम में है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदल करके क्या रखने की मंजूरी दी? ये दोस्तों अयोध्या रखने की इनने घोषणा की, याद रखिए। नेक्स्ट है तितली तूफान किन राज्यों में आया? जी हाँ दोस्तों, तितली तूफान भी था और ये जो आया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तितली नाम का तूफान आया। नेक्स्ट है कि जिमैक्स 2018 सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? ये दोस्तों भारत और जापान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है कि JCB प्राइज फॉर लिटरेचर का विजेता किसे घोषित किया गया? ये है दोस्तों मलयालम के हैं ये, तो इनका नाम है दोस्तों बेन्यामिन। नाम क्या है? बेन्यामिन है। और ये किस भाषा से संबंधित है? ये मलयालम के हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है कि पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला है कि खाद्य सुरक्षा स्कीम की शुरुआत कहाँ पर की गई? खाद्य सुरक्षा स्कीम की जो शुरुआत की गई है वो उड़ीसा में की गई है, ठीक है। अगला है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान यहाँ पर कितना? 98 नंबर पर, याद रखिए 98 नंबर पर है अपना भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 की रैंक में। नेक्स्ट है गुवाहाटी के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हुए हैं? इनका नाम है AS बोपन्ना। तो AS बोपन्ना जो है वो गुवाहाटी के नए मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। अगला है कि अफ्रीकी देश इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है? तो दोस्तों इनका नाम है साहिल बर्क जुएडो, ठीक है। क्या नाम है? साहिल बर्क जुएडे। तो दोस्तों ये नाम है, तो काफ़ी अजीब अजीब नाम होते हैं विदेशियों के, तो उसे याद रखना पड़ेगा। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, भाग नंबर 6 से संबंधित। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आज शाम तक मैं सारे के सारे पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लगभग 500 प्रश्न रहेंगे, तो अगर आप लोग इन वीडियोस को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2018 से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इन वीडियोज़ में कवर किए हुए हैं, ठीक है। वन लाइनर्स फॉर्मेट है, और जिस बच्चे को भी इसकी PDF चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा टेलीग्राम लिंक डला हुआ है वहाँ पर मुझे संपर्क करें, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसको तो आप लोग मुझे लिख करके भेज दें अपना नाम, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं ARO और RO के लिए भी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। वो 25 दिसंबर से हमारा जो है वो टारगेट क्लासेस स्टार्ट होगा, तो उसके लिए जिसको भी ऐड होना है तो वो लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर लिख देना सर प्लीज़ ऐड मी फॉर RO और ARO बैच, ठीक है। वहाँ पर हम लोग दोस्तों कुल मिलाकर के लगभग 5000 से अधिक GS के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि RO और ARO तभी क्लियर किया जा सकता है जिस बच्चे की GS स्ट्रांग है उनके, ठीक। तो GS पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, और आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो वीडियो के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारी की सारी करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर करा दूंगा, आज ही ख़त्म कर देंगे हम। और दोस्तों अनअकैडमी पर मुझे जरूर फॉलो करिए, वहाँ पर जो 4000 प्रश्न हैं अभी भी टाइम है, जिन लोगों ने नहीं देखे देखिए जा करके, GS के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।